गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज है संडे मॉर्निंग और आज जा रहा हूँ नाला सुपारा। अपनी पुरानी बाइक जो है मेरी FZ, वो मैंने अपने कज़िन भाई के वहाँ पर रखी थी, सो अभी वही लेने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत काम भी है सो वही करने के लिए। मेरे साथ है मेरा दोस्त गणेश और आते वक्त फिर वो अपनी FZ चलाने वाला है और मैं अपने हिमालयन पे आने वाला हूँ। सो लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है। एंजॉय द राइड। ओके सो गाइस, रीच्ड एट माय सिस्टर्स प्लेस। कुछ 1.5 घंटा ट्रैफिक में थे, बहुत गंदा ट्रैफिक था। कहीं पर तो कुछ कंटेनर शायद तला गिरा था। सो यार, ये मेरी भांजी भाऊ, नाव संग तुझा नाही नाव संग ना, नाचते थी, शर्माती है कैमेरा पे। सुरू तू गाणं गाणार तू गाणं गाणार होतीस ना, गाणं गायला तू कपडे घातले होतेस ना, मग तिकडे जाऊन गाणं गाणार आहे मग। ए ताई, ही बा आता गाणं नाही गाणार आहे बोलते, सैराटचं पण नाही वाट मग। हा, तेरे बिना बोल, मस्त गाणं आहे, बोल ना, बोल। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, ना करना। कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतपाऱ्याचा कानडा राजा पंढरीचा, निराकार तो निर्गुण ईश्वर, कसा पकडला असा विटेवर, उभय ठेविले हात कटीवर, उभय ठेविले हात कटीवर, पुतळा चैतन्याचा कानडा राजा पंढरीचा। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। बघितलं की नाही आमची वाची, हाण्याम्याची खीर चाकतो, चोखोबाची बुरे हाकतो, हाण्याम्याची खीर चाकतो, चोखोबाची बुरे हाकतो, पुरंगराचा हा परमात्मा, पुरंगराचा हा परमात्मा, वाली वाली
विसरली ना, विसरली ना, तरी पण भारी भारी गायली हा, भारी गायली हा, गुड गाय, बाय काय सगळ्यांना, बाय. चलो बाय गाइस. ओके सो गाइस आई वेलकम टू अभी ट्रैफिक बहुत गंदा ट्रैफिक है यार. बजे 4 बजे, 1 बजे से निकला हूँ. पूरा ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक बहुत गंदा. आई वी आर कैन सी वी आर एबल टू सी. गाड़ी तो इतना गर्म हुआ है ना, हॉरिबल ट्रैफिक. जाते वक्त भी मिला था, आते वक्त भी मिला था. ट्रैफिक में तो लाइट खराब हो गया साला, बहुत गंदा. डिहाइड्रेशन हो रहा है. गाइस अभी तो रात के बजे कुछ 10:30, घर आते आते बज गए थे कुछ 7:45. एक्चुअली आते आते एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. हुआ ऐसा था कि मलाड जस्ट एंटर किए थे और मलाड एंटर करने के बाद गाड़ी बंद पड़ गई थी, FZ जो गणेश चला रहा था. और वो बंद पड़ने के बाद हम लोग ने मैकेनिक के पास गए और हमारी दोनों गाड़ी भी हम लोग ने मैकेनिक के वहाँ पर पार्क करी और उसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे क्या प्रॉब्लम हुआ. ओके सो वो होने के बाद वहाँ पर एक और बंदा मतलब था खड़ा एक्टिवा लेके और पुलिस वाले आके उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. सो उस बंदे ने उन्हें रूडली एकदम मतलब आंसर दे दिया. अब वो लोग उनके साथ तो कुछ मतलब चल रहा था तो वो लोग उतर के आए मेरे गाड़ी के या हिमालयन और फिर मेरा भी चालान काट रहे थे. उसका तो चालान काटा ही नहीं, उसको तो मतलब चिल्ला के भगा दिए. चालान कटा मेरा, क्यों तो नो पार्किंग में. अब मैकेनिक के गैरेज के सामने गाड़ी खड़ा किया है, क्यों तो गाड़ी ख़राब हुआ है. अब साला उसमें भी नो पार्किंग कहाँ पर रहता है मेरे को वो नहीं पता, समझ रहा है. ठीक है वो तो उन्होंने बस अपना ईगो सेटिस्फाई कराने के लिए कि इतने लोगों के सामने उसने रूडली आंसर किया और चला गया, तो अभी उतर गए गाड़ी से तो किसी का तो चालान काटना ही पड़ेगा. सो इट्स ओके. ये तो मतलब मेरे साथ तो मतलब इनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब ही है वैसे तो, बट मेरा आज का दिन भी बहुत ख़राब ही था. मॉर्निंग में निकला घर से सो एरिया में ही एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा. वैसे तो मैं ये सब मानता नहीं हूँ, बट फिर उसके बाद जाते वक्त चेक ना करके वहाँ पर हुआ ऐसा कि वो लड़की वाला इंसिडेंट आपको पता ही होगा. उसके बाद फिर ट्रैफिक लगा 1.5 घंटा जाते वक्त, वो भी ठीक है. उसके बाद आते वक्त ट्रैफिक लगा 3.5 घंटा. 1 बजे से निकला था और 4:30 बजे तक तो पूरा ट्रैफिक में ही था मैं फंसा हुआ. बहुत गंदा हालत हुआ, बहुत बॉडी तो इतना थक गया ना क्या बताऊँ. उसके बाद फिर ये वाला इंसिडेंट, चालान कटा एंड ऑल. सो आज का दिन तो वैसे ही ख़राब था. ठीक है बट कोई बात नहीं, दुख इस बात का नहीं है कि चालान कटा, दुख इस बात का है कि बिना कारण कटा. अगर कुछ रीज़न होता तो ठीक है. सो गाइस आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट में मेंशन कीजिए, लिखिए, देखते और किसी के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है. एक और एक्सपीरियंस ऐसा मेरा हुआ था, अगले वीडियो में बताते हैं. अच्छी अभी तो और लॉग आने हैं, ये सब तो होते ही रहता है. ये क्या है, छोटा मोटा चालान कटते रहता है. ये दुख का खत्म नहीं होता बे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार. ओके सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.